देखो जैसे ऐसी बाइक अंदर जाती है, हाँ, यहाँ पे आप इसको शुरू करते हो, सो अलग अलग इम्प्लीमेंट आप इस पे लगा सकते हो। आप देख सकते हो कितने आसानी से ये बाइक खेत पे चलता है, अगर इतनी ताकत खींच सकते हैं। देखो आप देखिए आपके सामने वीडियो, आप देख सकते हैं कि कई बाइक 40 क्विंटल का ट्रक होगा, वो आराम से 30 से 40 क्विंटल का ट्रक वो इतनी आसानी से खींच रहा है। आप देख सकते हैं इसमें आप कोई भी बाइक डाल सकते हो, कोई भी 100 सीसी के ऊपर बाइक होगी तो आप पल्सर, स्प्लेंडर जो भी होती है, नॉर्मल बाइक जो होती है लोगों के पास, इस मशीन के अंदर हम बाइक डाल देंगे। सो नमस्कार, मेरा नाम निखिल देशमुख है। सो हमने ये बाइटर एग्रो कंपनी खोली है और हमारे पहला प्रोडक्ट है बाइटर आशा करके, तो आशा नाम के प्रोडक्ट है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है मार्केट में कि अपने शेतकरी भाई जो होते हैं तो सबके पास बाइक, किसान भाई जो होते हैं तो उन सबके पास बाइक होती है बराबर, बट किसी पास ट्रैक्टर नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि सबके पास छोटे छोटे खेत होते हैं, किसके पास बहुत ऐसे 100-200 एकड़ 5 एकड़ बराबर। अब 2 या 10 एकड़ में आप अगर ट्रैक्टर खरीद लिया 10-15 लाख का, तो आप उसमें उतना निकाल ही नहीं पाओगे, मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा, आप निकाल ही नहीं पाओगे। तो इसका सलूशन क्या है कि आपके पास बाइक सबके पास होती है, हर किसान के पास बाइक होती है, तो आप ये सोचिए कि अगर आप बाइक से ही बहुत सारे काम जो शेतकरी लोग दूसरे से करते थे वो कर सकते हैं तो कितनी बड़ी बात होगी। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें आप कोई भी बाइक डाल सकते हो, कोई भी 100 सीसी के ऊपर बाइक होगी तो आप पल्सर, स्प्लेंडर जो भी होती है, नॉर्मल बाइक जो होती है लोगों के पास, इस मशीन के अंदर हम बाइक डाल देंगे। हाँ, इस मशीन के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे एक रैम्प है, तो ये रैम्प से क्या होता है आप बाइक अंदर डाल सकते हो। ये जो रैंप आपको दिख रहा है, हाँ, तो ये फोल्डेबल है, तो जैसे ही फोल्ड होके बंद हो जाता है पूरा। अच्छा, बाइक चढ़ाने के बाद में उसको फोल्ड करके ऊपर यहाँ पे लॉक बंद कर सकते हैं। हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉकिंग मैकेनिज्म भी यहाँ पे, ठीक है, तो बाइक ऊपर चढ़ जाती है, यहाँ पे आप उसको लॉक कर सकते हो। यहाँ पे ये हार्नेस है, इसको आप यहाँ से लॉक कर सकते हो। आगे 2 फैन लगे हैं कूलिंग सिस्टम के लिए। हाँ बराबर, कूलिंग सिस्टम के लिए। ये किसान यूजुअली लोग कैसे गर्मियों में काम करते हैं, कभी कभी अंदर गर्मी बाइक भी गर्म हो जाती है, उसके लिए हमने कूलिंग सिस्टम लगाया। इससे बहुत आसानी से बाइक ठंडी भी रहती है और अच्छे से परफॉर्म भी कर लेती है। यहाँ से आप बाइक शुरू करोगे, हाँ, तो बस मक्खन की तरह आप इसको बंद कर दो पीछे, यहाँ से पावर मिलता है इसको और आप यहाँ पे पीछे कोई भी इम्प्लीमेंट लगा सकते। आपको कोई सामान खींचना है, सामान रखना है पीछे, कोई कैरियर वगैरह होता है बराबर, इसमें हम बहुत सारे शेतकरी लोग छोटा मिनी पावर टिलर रोटावेटर छोटा हो गया, छोटे छोटे कितना लोड लेगा सर, क्योंकि ऑलरेडी हमारी ये मशीन कितने किलो की है? ये आपको कम से कम 300-400 किलो पड़ेगी बिना बाइक के। बिना बाइक का 300 किलो के लगभग का हमारा ये मशीन है और 100 किलो के लगभग का हमारा बाइक हो गया, लगभग 400 किलो का वेट तो यही हो गया है। तो इसके बाद में ये कितना वेट खींचेगा? अभी आप मानोगे नहीं, आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ आगे जाके। ये बाइक ने, ये बाइटर ने एक ट्रक को खींचा, क्या बात कर, इतनी ताकत है। बिकॉज इसके अंदर जो हमने ये टेक्नोलॉजी लगाई है वो पेटेंटेड होने वाली है। इसमें ऐसी हमने लगाई टेक्नोलॉजी की जो बाइक की जो पावर होती है वो हमने मल्टीप्लाई की है। इससे होता क्या है कि छोटी चीजें जो होती है, जो छोटी चीजें बाइक नॉर्मली नहीं कर सकता, वो बाइटर के थ्रू आप अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि एक बाइक मुश्किल से 2 से 2.5 क्विंटल वजन खींचना भी उसके लिए काफी मुश्किल हो जाता है, 100 सीसी इंजन की अगर हम बात करें तो। एग्जैक्टली बराबर। लेकिन अगर इसमें अब करीब 300 किलो की आपकी मशीन है, 100 किलो का बाइक है और उसके बाद में भी अगर इतना वेट खींच रहा है तो फिर वो थोड़ा किसानों के लिए विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। बराबर, हमको भी ऐसा ही लगा था कि सबको डाउट होगा। तो अभी आप आगे आइए, आपको हम वीडियो दिखाते हैं। तो ये पूरा वीडियो देखो, जैसे ऐसी बाइक अंदर जाती है, हाँ, यहाँ पे आप इसको शुरू करते हो, सो अलग अलग इम्प्लीमेंट आप इस पे लगा सकते हो। आप देख सकते हो कितने आसानी से ये बाइक तर खेत पे चलता है। ये इम्प्लीमेंट को आप भी कर सकता है वो? हाँ, ये डिपेंड, ये अलग अलग इस पे नहीं, इस वाले इसमें नहीं है, नए वाले वर्जन में आने वाला है। अच्छा। इसमें आप देख सकते हो फवारनी हो रही है, आपको पेस्टिसाइड स्प्रे करना होता है, ये सब चीजें होती है। अपडेट वाला जो मशीन आने वाला है उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम भी होगा? हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब कुछ चीजें आसानी से करता है। एक बाइक अगर इतनी ताकत खींच सकते हैं, देखो आप देखिए आपके सामने वीडियो, आप देख सकते हैं कि एक बाइक ट्रैक्टर खींच रहा है, 30 से 40 क्विंटल का ट्रक होगा वो, आराम से 30 से 40 क्विंटल का ट्रक वो इतनी आसानी से खींच रहा है। तो थोड़ा सा इसके बारे में इनर का कुछ बताएंगे आपकी, ये 100 सीसी के बाद भी इतना पावर कैसे जनरेट कर पा रहा है? यही तो है ना, बाइक ट्रक की खासियत यही है कि हमारा जो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग माइंडसेट जो है वो शुरुआत से ये ऐसा रहा है कि हमें ऐसा कुछ करना किसानों के लिए कि छोटी चीज भी अगर आप सब बाइक सबके पास होती है, अगर छोटी चीज भी जो बाइक अगर इतना बड़ा काम कर सकती है तो कितनी बड़ी बात होगी आप सोचो सब किसानों की। बहुत बहुत बड़ी बात हो गई है। वैसे आपकी इस जो मशीन है अभी जो एट प्रेजेंट हमारे पास मशीन, इसका प्राइस क्या है? ये ऑलमोस्ट 2.5 लाख तक आएगी, 2.5 लाख तक। हाँ, बिना बाइक के, बिकॉज बाइक तो सबके पास होती है। बाइक तो सबके पास होती है। हाँ। भाई एक बार हमको ये मशीन परचेस करना है, फिर हमारी किसी भी बाइक से हम इसको सेट करके इसका उपयोग कर सकते हैं हमारे खेतों में। बिल्कुल बिल्कुल।
तो देख सकते हैं किसान भाइयों आप, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है ये। बाइटर के नाम से इन्होंने इसका नाम भी दिया है, बाइक और ट्रैक्टर को मिक्स करके इसका नाम दिया है। एग्जैक्टली बाइटर, बहुत शानदार।